राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में स्थित बाबा बालेश्वर दयालु महाविद्यालय की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण को लेकर कॉलेज प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को अनेक बार पत्र व्यवहार किए। वहीं कॉलेज छात्र संघ ने भी कुशलगढ़ उपखंड अधिकारी चंद्रशेखर भंडारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कॉलेज की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाया जाए व पूरे महाविद्यालय की जमीन का सीमांकन भी किया जाए। ज्ञापन पर ज्ञापन देने के बावजूद न तो उपखंड प्रशासन व न ही जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है, जिसके चलते अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से कुशलगढ़ में राजकीय मामा बालेश्वर दयालु महाविद्यालय के पास एक खाली जमीन और वो भी कॉलेज को आवंटित की हुई है। कॉलेज प्रशासन ने तथा छात्रों ने प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन हालात जस के तस है। न तो अतिक्रमण हट रहा है, न कोई कागज दिखाने को तैयार है। ये दो मकान भी आप देख रहे हैं, इधर सारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। हम इस खबर को इसलिए दिखा रहे हैं कि विद्या के मंदिर पर इस तरह का अतिक्रमण होना और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना बड़ा चिंता का विषय है। इस समय राजकीय मामा बालेश्वर दयालु महाविद्यालय कुशलगढ़ में उपस्थित हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल साहब और यहाँ के स्टाफ भी मौजूद और भारतीय टाइप एंड बीटीपी के राजकीय कार्यकारिणी सदस्य भाई विजय भाई मंदा भी मौजूद। बार बार अतिक्रमण कॉलेज की जमीन को लेकर बार बार ज्ञापन पत्र व्यवहार के बाद भी स्थिति जस की तस है। मैं सीधे यहाँ के प्रिंसिपल दीपन जी से चलता हूँ। दीपन जी, पूरी अतिक्रमण की के बारे में आपने कब तक किसको लिखा, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, जरा डिटेल में बताएंगे। महाविद्यालय की आवंटित भूमि जो सेंट पॉल हिंदी माध्यम विद्यालय के समीप स्थित है, वह कई दिनों से अतिक्रमण में है। वहाँ पर 5 मकान बने हुए हैं, जिसमें से 2 पक्के हैं और 3 कच्चे स्थिति में। हमने प्रशासन को भी पत्रव्यवहार के द्वारा अवगत करा दिया गया है। और इसके अलावा पीछे की तरफ नर्सरी के द्वारा जो ज़मीन दे रखी है, उस ज़मीन पर भी अतिक्रमण है। लेकिन जो पीछे वाली ज़मीन है, वह आज भी नर्सरी विभाग के अधीन है, हमारे नाम नहीं हुई है। जबकि पूर्व में मौखिक आदेश के तहत जो दक्षिणी हिस्से की ज़मीन है, वह नर्सरी के द्वारा हमारे महाविद्यालय की ज़मीन अतिक्रमण कर दी गई थी, 4 दीवारी बना दी गई है, उसके एवज में हमें पीछे वाली ज़मीन दी गई थी। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है, सीमांकन के अभाव में वह ज़मीन आज भी महाविद्यालय के नाम नहीं है। इस कारण वहाँ अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। वहाँ पीछे वाली ज़मीन पर 200-300 पुराने टायर पड़े हैं। यदि हम उस मालिक को कहने जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये विवादित ज़मीन है, आपके नाम नहीं है, आप किस स्थिति में कह सकते हो। नर्सरी विभाग को भी हमने अवगत करवाया है और नर्सरी विभाग यह कह रहे हैं कि नहीं, ये तो आपके नाम है। जबकि पटवारी महोदय से जब हम मिले थे तो यह जमीन महाविद्यालय के नाम आज भी नहीं बताई जा रही। तो ऐसी स्थिति में अब सीधे मैं भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय भाई मेहरा के पास चलता हूँ। विजय भाई, आप भी इसी महाविद्यालय में पढ़े हैं और सरकार ने जब यह महाविद्यालय की जमीन आवंटित